तो अगर कंडीशंस की बात कर रहे हैं या फिर तमाम तरीके के एक्सपर्ट्स जो इस वक्त निकाले जा रहे हैं, उसमें कुछ चीजें जरूर भारत के पक्ष में यहां पर जाती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जिस पर कहीं ना कहीं नियंत्रण करने की जरूरत यहां पर होगी। पूरी टीम बैलेंस जरूर नजर आ रही है, लेकिन आखिर गेंदबाजी किस तरीके की हो, क्योंकि इसी को लेकर सबसे ज्यादा सवाल जो है अभी तक उठाए जा रहे हैं कि भारतीय टीम की गेंदबाजी क्या उस तरीके की रिएक्शन जो है या रिएक्ट उस तरीके से करेगी जिस जो बॉलिंग को पूरी तरीके से सपोर्ट यहां पर करे। और आज भारतीय टीम ने जिस तरीके से टॉस अभी गंवा दिया है तो यह अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट अब कहीं ना कहीं होगा। तो वहीं जहां एक तरफ पूरे देश के अंदर पूरे प्रदेश में जो है क्रिकेट विश्व कप को लेकर पूरी तरीके से उत्साह है, तो वहीं भारत का पहला मैच साउथ अफ्रीका से है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी टीम इंडिया को इस पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट किया है जिसमें सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि उम्मीद है कि भारत एक बार फिर से वर्ल्ड कप अपने नाम करेगा, यानी तीसरी बार भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब होगी। ऐसी शुभकामनाएं यहां पर सीएम की तरफ से दी गई हैं। इस बीच हिमांशु के हम यहां पर रुक कर रहे हैं। हिमांशु, क्योंकि कंडीशंस की हमने यहां पर बात करी और सबसे इंपॉर्टेंट जिसका जिक्र मनवीर भी कर रहे थे और लगातार हमने किया कि टॉस बहुत इंपॉर्टेंट था और भारतीय टीम ने जरूर इसको गवा दिया है, लेकिन मैच नहीं गवाना है। और चेजिंग की अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं तो कितना स्कोर जो है सेफ होगा, जो आपके साथ इस वक्त वहां पर एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, खिलाड़ी मौजूद हैं, वो कितना इस अगर हम जो है ग्राउंड की बात कर रहे हैं कितना सेफ स्कोर होगा, जो रोकना होगा जहां तक भारतीय टीम उसे चेज कर पाए या बिलो उसके ऊपर जाता है तो भारतीय टीम के लिए मुश्किलें हो सकती हैं। सेफ स्कोर क्या कुछ रह सकता है? बिल्कुल, सबसे अहम सवाल है क्योंकि टीम इंडिया ने जो टॉस है वो टीम इंडिया टॉस हार गई है। और ऐसे में अगर बात करें तो वेदर कंडीशंस भी वहाँ की डिफरेंट है, पिच पर नमी है, और ऐसे में आप बात करें तो टीम इंडिया के लिए सेफ स्कोर क्या हो सकता है, टीम इंडिया की अगर बात करें तो कहाँ तक साउथ अफ्रीका को टीम इंडिया को रोकना होगा, बॉलर्स जो हैं उनकी किस किस तरह से जो भूमिका है वो इम्पोर्टेंट होगी। बॉलर्स की हमारी भूमिका ये होगी कि हम उनको कम से कम 225 तक उनको रिस्ट्रिक्ट करें, और जो हमारा बॉलिंग अटैक है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो मीडियम पेस स्टार्टिंग में हमारे पावर प्ले में 15 ओवर्स में 2 से 3 विकेट निकालें। जैसे अभी उनके पास मैन बैट्समैन, अभी अमला भी नहीं खेल रहे होंगे क्योंकि वो इंजर्ड है, और उनके पास फैफ डुप्लेक्स है और हमारा किंडवन डिकॉक है, 2 ही मैन बैट्समैन है जो विकेट पर टिक कर बैटिंग कर सकते हैं, उसके अलावा पूरा बैटिंग ऑर्डर उनका कॉलप्स करेगा। तो इंडिया उनको 250-225 के अंदर रिसर्च कर रहे हैं और इंडिया उसको जल्द से जल्द चेज। अगर ऐसा माने कि 250 से रन ऊपर निकल जाते हैं या 275 से ऊपर निकल जाते हैं तो कह सकते हैं कि टीम इंडिया के लिए मुसीबत हो सकती है, टीम इंडिया को चेज करना भारी पड़ सकता है। मे बी पॉसिबल हो सकती है क्योंकि इंडिया काफी टाइम बाद 275 तक हम मान सकते हैं कि एक सेफ स्कोर यहां पर हो सकता है। ललित का जरा यहां पर रुक कर लेते हैं। ललित, सेफ स्कोर के यहां पर जिक्र किया जाए तो भारतीय टीम को आकर किन तमाम चीजों पर जोर देना होगा? साउथ अफ्रीका बहुत बैलेंस टीम नजर नहीं आ रही है, लेकिन सेफ स्कोर की अगर हम बात करें तो कहां तक टीम रोके जिसके बाद बल्लेबाज जो है उसे चेज कर पाए, क्योंकि इस ग्राउंड पर बहुत अच्छा स्कोर भारतीय टीम का नहीं रहा है, सिर्फ एक मुकाबला अब तक भारतीय टीम जीत पाई आज तक। जी बिल्कुल सुमित, अगर बात की जाए दक्षिण अफ्रीका की, दक्षिण अफ्रीका अपने दोनों मुकाबले हारे हैं। पहले मुकाबले में इंग्लैंड ने 130 रन से ज़्यादा की करारी शिकस्त दी थी, तो वहीं पिछले मुकाबले में बांग्लादेश ने दक्षिण अफ्रीका को हराया था। तो ऐसे में दक्षिण अफ्रीका के दोनों मुकाबले अपने हारने के बाद अब इस वर्ल्ड कप में बने रहने के लिए आज का मैच हर हाल में जीतना होगा। हाशिम अमला के वापस टीम में आने से कहीं ना कहीं मजबूती मिली है क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के सबसे मजबूत बल्लेबाज माने जाते हैं। तो वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए ICC के जितने भी बड़े टूर्नामेंट हैं उसमें जो दक्षिण अफ्रीका और भारत चौकस बार बार उन्हें कहा जाता है, इस तरीके की सिचुएशन जो है वो रही है दक्षिण अफ्रीका के साथ, और आज बेहद इंपॉर्टेंट मुकाबला है। और नर्वस सबसे ज्यादा जो टीम है अपना मुकाबला होकर हार रही है उसमें सबसे बड़ा नाम जो है साउथ अफ्रीका का है, लेकिन आज उससे किस तरीके से ओवरकम करते हैं, भारतीय टीम कैसे अपनी जीत की जो है शुरुआत यहां से करती है पूरे मुकाबले की, क्योंकि यही पूरा जो कॉन्फिडेंस है उस पर निर्भर करेगा जिससे भारतीय टीम अपने सफर को बेहतर तरीके से पॉजिटिविटी के साथ आगे यहां पर बढ़ा सके। बहुत शुक्रिया ललित आपका भी, साथ ही साथ हिमांशु, मनवीर आपका बहुत शुक्रिया, अरुण आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ।